स्टूडेंट्स, सो दिस इज अ सेवंथ लेक्चर ऑन द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल। कौन से सेल की बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द गल्वेनिक सेल, जिसको हम और क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है जी, तो इस सेल की हमने रिप्रेजेंटेशन करनी है। तो रिप्रेजेंटेशन से पहले हम बात करेंगे, अगेन थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ गल्वेनिक सेल। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो हमने कहा कि इट कंसिस्ट ओनली टू थिंग्स, फर्स्ट टू हाफ सेल्स, ठीक है, और तीसरा इसमें क्या है जी, सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, तीसरा क्या है, सॉल्ट ब्रिज। हाफ सेल्स कौन कौन से हैं? एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, एक रिडक्शन हाफ सेल है। ऑक्सीडेशन हाफ सेल में क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, तभी तो हमने इसको क्या बोला, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और डेफिनेटली यहाँ क्या हो रही है, रिडक्शन। इसको हम हमेशा वहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, और इसको हम हमेशा किधर लिखेंगे, राइट हैंड साइड पर। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पर कोई एक सेल ले रही हूँ, सपोज जिंक कॉपर सल्फेट सेल हम दोबारा ले लेते हैं, और इस सेल की हमें क्या करनी है, सेल रिप्रेजेंटेशन करनी है। ठीक है, मीन्स आपको एक कंप्लीट सेल नहीं बनाना, आपको सिर्फ और सिर्फ इसको एक सिंबॉलिक सिंबल्स के हेल्प से आपने पूरे सेल को रिप्रेजेंट कर देना है। तो वो कैसे करेंगे, तो थोड़ा कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। पहले यहाँ हमारे पास एक सेल है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, जहाँ आपने क्या लिया है, जिंक रॉड लिया है, जिंक सल्फेट लिया है, और सेकेंड कंटेनर में आपने कॉपर रॉड ले ली। ठीक है, सोल्यूशन ले लिया आपने, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया। ठीक है, इन दोनों को आपने कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर आपने इसको कनेक्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ अ सॉल्ट ब्रिज। फाइन, तो ये हमारा सेल क्या हो गया, कंस्ट्रक्ट हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड पर क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे जो जिंक है दैट अंडरगोज ऑक्सीडेशन। ठीक है, और राइट हैंड साइड पे क्या हो रहा है, जो कॉपर आयन है दैट इज एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कॉपर। ओके, अब इन दोनों के बीच में क्या है, इन दोनों के बीच में हमारा सॉल्ट ब्रिज। तो बस आपने इसी चीज को आपने, यानी कि पूरे सेल को इस फॉर्म में आपने क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो जब हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल लिखेंगे तो आप देखिए कि हमारे पास दो फेजेस हैं, एक जो रॉड यानी कि एटम की फेज में है, और एक जो हमारे पास किस फेज में है, आयन की फेज में है। और जब आपने इसकी रिप्रेजेंटेशन करनी है तो आपने रिएक्टेंट पहले लिखना है, प्रोडक्ट बाद में लिखना है। तो यहाँ पर जिंक से क्या बन रहा है, जिंक आयन, तो ये हो गया हमारा रिएक्टेंट, देन हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट। और इन दो फेजेस को आप सेपरेट करोगे विद द वर्टिकल लाइन। आप चाहें तो इन दोनों को आप एक सेमी कॉलम से भी सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, सेम इज हियर, यहाँ रिडक्शन हो रही है, तो यहाँ कॉपर आयन जो है वो किस में चेंज हो रहा है, कॉपर में, ये रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ भी हमारे दो फेजेस हैं, एक आयनिक स्टेट में और एक एटॉमिक स्टेट में, और इन दोनों को आपने सेपरेट करना है। तो यू कैन पुट द वर्टिकल लाइन, और आप चाहें तो यहाँ पर सेमी कॉलोन यूज कर सकते हैं। ठीक है, और सॉल्ट ब्रिज को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सॉल्ट ब्रिज को हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय टू वर्टिकल लाइन्स। तो ये हमारी क्या हो गई, सेल रिप्रेजेंटेशन। देखिए मैं इसी चीज़ को दोबारा लिख रही हूँ, तो हम देखें तो आपने सबसे पहले सेल रिप्रेजेंट करना है एनोड लिखना है, एनोड के बाद आपने क्या लिखना है, सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज के बाद आपने कैथोड पे जो हुआ वो आपने रिप्रेजेंट करना है। एनोड पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे, कि मेटल जो है वो किस में चेंज हो रही है, मेटल आयन में, बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, बिकॉज यहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है। सॉल्ट ब्रिज को आप दो वर्टिकल लाइन से सेपरेट करोगे, कैथोड पे रिडक्शन हो रही है, तो यहाँ पर जो मेटल आयन है दैट चेंजेस टू मेटल। सो बेटा दिस इज द सेल रिप्रेजेंटेशन, बहुत इजी है। आपने किसी भी सेल को रिप्रेजेंट करना है तो आप इस वे से, दिस इज अ मेथड टू एक्सप्रेस द सेल रिप्रेजेंटेशन। दिस इज ऑल्सो नोन एज द सेल नोटेशन। ठीक है, इसको हम और क्या बोलेंगे,
सेल नोटेशन। तो चलिए ठीक है, हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं सो दैट कि थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाए। कौन सा सेल लें? अभी तक हमने आई थिंक कॉपर और सिल्वर लिया है, तो मैं यहाँ पर कॉपर सिल्वर नाइट्रेट सेल ले लेते हैं, ठीक है। और आपने इसकी क्या करनी है, सेल रिप्रेजेंटेशन करनी है, ठीक है। या फिर हम कहें कि हमारा क्वेश्चन क्या है, राइट द सेल नोटेशन फॉर कॉपर सिल्वर नाइट्रेट सेल, फाइन। तो यहाँ हमने क्या करना है, देखिए यहाँ हमने क्या किया, एक कॉपर रॉड लेंगे, ठीक है, उसको इस कंटेनर में टिप कर देंगे, ठीक। और यहाँ पे हम उसको इसके सॉल सॉल्यूशन में, तो आपकी मर्जी आप सॉल सॉल्यूशन क्या ले रहे हो, दैट इज सपोज कॉपर सल्फेट ले लिया, ठीक है। और यहाँ पर हम दूसरा क्या है हमारे पास, सिल्वर नाइट्रेट, तो यहाँ पर आप सॉल्यूशन क्या ले रहे हो, सिल्वर नाइट्रेट का, ठीक है। और उसमें आप टिप कर रहे हो एक रॉड जो है सिल्वर की। और आप देखिए कि मैंने कॉपर वाले जो इलेक्ट्रोड को किधर लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड पे। क्यों लिखा है, क्योंकि कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, और सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इट हैज़ मोर टेंडेंसी टू लॉस द इलेक्ट्रॉन एज कम्पेयर टू सिल्वर, तो इट विल ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर एंड दिस विल अंडरगो रिडक्शन, ठीक है जी। तो चलिए इस सेल की रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं। कैसे लिखेंगे कि आपका कॉपर से क्या मिल रहा है, एट एनोड, तो पहले हम एनोड लिख लेते हैं, ठीक है। एनोड, एनोड पे क्या हो रहा है, कॉपर चेंजेस टू कॉपर नाइन, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आ गया, सॉल्ट ब्रिज। फिर हमने क्या लिखना है, कैथोड। कैथोड पे क्या हो रहा है, जो हमारा सिल्वर आयन है दैट चेंजेस टू सिल्वर। सिल्वर आयन से क्या बन रहा है हमें, सिल्वर। एंड यहाँ ध्यान रखिएगा कि हमने कहीं भी नंबर ऑफ एटम्स आयन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कहीं भी बात नहीं की है, फाइन, समझ में आ गया। हाँ एक चीज़ और कि यहाँ पर जो आप ये कंसंट्रेशन ले रहे हो, सपोज ये आपने क्या लिया 1 मोलर, सपोज ये हमने क्या ले लिया 0.1 मोलर, तो दीज कंसंट्रेशंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स कैन बी मेंशन हियर इन द ब्रैकेट। तो ये हो गया हमारा 1 मोलर, ठीक है। और सिल्वर नाइट्रेट हमने कितना लिया है, दैट इज 0.1 मोलर, ठीक है। और इसको हमने कनेक्ट कर दिया है, ये आप भूलेगा नहीं। तो आपको ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि राइट द सेल नोटेशन फॉर द सिल्वर कॉपर सिल्वर नाइट्रेट सेल, तो दिस इज द सेल नोटेशन, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, एनोड। एनोड पे देखेंगे कि मेटल मेटल आयन में चेंज हो रहा है, ठीक है। और वो जो है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है इलेक्ट्रोलाइट की, वो यहाँ मेंशन हो जाएगी। देन सॉल्ट ब्रिज विल बी रिप्रेजेंटेड बाय टू वर्टिकल लाइंस। देन कैथोड, जहाँ पर क्या हो रहा है, मेटल आयन से क्या मिल रहा है, मेटल, ठीक है। नो नीड टू मेंशन द नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेट्रा, ओके। एंड इसकी हमने कंसंट्रेशन जो इलेक्ट्रोलाइट के लिए है, दैट इज मेंशन अगेन इन द रेफरेंस, ठीक है। सो दिस इज द सेल नोटेशन, ठीक है, और सेल रिप्रेजेंटेशन फॉर कॉपर सिल्वर नाइट्रेट सेल, फाइन। सो दिस इज अबाउट द सेल रिप्रेजेंटेशन। हाँ एक चीज और कर लेते हैं कि हमें जो है सेल रिएक्शन गिवन है, और आपने जो सेल रिएक्शन से रिप्रेजेंटेशन गिवन है, और सेल रिप्रेजेंटेशन से हमें क्या लिखनी है, सेल रिएक्शन, ठीक है। तो चलिए एक और सेल हम रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। मान लीजिए कि मेरे को यही सेल रिप्रेजेंटेशन लेनी, ठीक है, और हमारा क्वेश्चन क्या है कि राइट द सेल रिएक्शन, ठीक है, और द ओवरऑल रिएक्शन फॉर द गिवन सेल नोटेशन और रिप्रेजेंटेशन। तो सेल नोटेशन हमने ये वाली ले ली, अब इसके लिए हमें क्या लिखनी है, सेल रिएक्शन। तो बेटा सेल रिएक्शन लिखने के लिए आपको सिर्फ दो चीज़ों का ध्यान रखना है, दैट इज हाफ सेल्स, ठीक है जी, हाफ सेल्स। तो हमारे दो हाफ सेल हैं, एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल, यहाँ पर क्या हो रही है ऑक्सीडेशन,
दूसरा है रिडक्शन ऑफ सेल, यहाँ पर क्या हो रही है रिडक्शन, ये हमारा एनोड है, ये हमारा कैथोड है, ठीक है। तो इनकी हाफ सेल रिएक्शंस लिख लेते हैं। इसकी हाफ सेल रिएक्शन क्या है, यहाँ पर कॉपर किस में चेंज हो रहा है, कॉपर ऑक्सीडाइजेस टू फॉर्म कॉपर आयन, ठीक है। जबकि इस सेल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इस सेल रिप्रेजेंटेशन में व्हाट इज हैपनिंग एट द कैथोड, कैथोड पर क्या हो रहा है, हमारा जो सिल्वर है दैट रिड्यूसेस दैट एक्सेप्टिंग द वन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म सिल्वर, ठीक है। और अगर आपने यहाँ ओवरऑल रिएक्शन निकालनी है, ओवरऑल रिएक्शन या हम कहें कि हमें सेल रिएक्शन लिखनी है, ठीक है, तो सेल रिएक्शन लिखने के लिए हम इन दोनों को क्या करेंगे, सम अप कर देंगे। लेकिन सम अप करने से पहले हमें यहाँ पर ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये दे शुड बी सेम। तो हम सेम कैसे करें कि आप इसको पूरी इक्वेशन को टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जब हम टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे एनोड पर क्या है, कॉपर से कॉपर टू प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन, जबकि यहाँ पर क्या हो गया, टू सिल्वर आयंस दे एक्सेप्ट द टू इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द टू सिल्वर एटम, ठीक है। तो ये दो इलेक्ट्रॉन जब आप सम अप करेंगे, ठीक है, तो जो रिएक्टेंट साइड पे है और जो प्रोडक्ट साइड पे दोनों सेम है, ये हम कट जाएगा, तो हमारी ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या आएगी, रिएक्टेंट साइड पे क्या है, कॉपर प्लस क्या है, टू सिल्वर आयंस, जबकि हमारे प्रोडक्ट साइड पे क्या है, एक कॉपर आयन प्लस टू सिल्वर एटम्स, ठीक है। तो और ये हमारी क्या हो गई, सेल रिएक्शन, फाइन, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल। इसमें दो ही तरह के क्वेश्चन आएंगे, या तो आपको सेल दिया होगा, आपने उसकी सेल नोटेशन लिखनी है, ठीक है, या फिर आपको ये रिएक्शन दी हुई होगी, इसके लिए आपने सेल रिएक्शन रिप्रेजेंटेशन करनी है, या फिर सेल रिप्रेजेंटेशन गिवन है और आपने क्या लिखनी है, सेल रिएक्शन, और यू कैन से ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है। आई एम रिपीटिंग अगेन कि जब आपने सेल रिएक्शन लिखनी है किसी भी सेल नोटेशन से, सिर्फ दो चीज़ों का ख्याल रखना है, हाफ सेल्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन, आयनिक इक्वेशन लिखिए, आयनिक इक्वेशन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो सेम होने चाहिए। जैसे ही वो सेम कर दिया आपने, इधर बाय मल्टीप्लाइंग और सॉल्यूशन जो भी आप करें, आपका सेम आ गया, इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड कीजिए, ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, ओवरऑल रिएक्शन और द सेल रिएक्शन, ठीक है जी। सो आर नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। तो इन नेक्स्ट लेक्चर विल डिस्कस द इलेक्ट्रोड